हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत टाइम बाद स्टार प्लस में एक न्यू मर्डर थ्रिलर सीरियल स्टार्ट हुआ है और इस सीरियल में आपको सस्पेंस भर भर के मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के न्यू सीरियल कह दूं तुम्हें में लीड रोल निभाने वाले एक्टर मुदित नायर की लाइफ स्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको मुदित की लाइफ के बारे में सभी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आपको मुदित का रोल पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम है मुदित के नायर और निक नेम है मुदित। प्रोफेशन की बात करें तो ये टीवी एक्टर एंड मॉडल हैं। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इनका जन्म 3 मई 1988 को हुआ था और 2023 के हिसाब से अभी इनकी एज है 35 ईयर्स। इनका बर्थ प्लेस एंड होम टाउन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, इंडिया है और इनका करंट एड्रेस मुंबई, महाराष्ट्र है। रिलीजन की बात करें तो ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और नेशनलिटी से इंडियन है। अब जान लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। इनके फादर का नेम है रविंदर नायर, जो कि बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन है। इनकी मदर का नेम है अनिता नायर। इनके ब्रदर का नेम है सिड। हॉबी की बात करें तो इन्हें प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट, जिमिंग, ट्रेवलिंग एंड मूवीज देखना पसंद है। अगर बात करें फिजिकल अपीयरेंस की तो इनकी हाइट है अप्रोक्स 175 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 9 इंचेस एंड वेट है अप्रोक्स 68 किलोग्राम्स। तो चलिए अब बात करते हैं इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली से कंप्लीट की है एंड अपना कॉलेज इन्होंने बैरी जॉन्स एक्टिंग स्कूल दिल्ली से कंप्लीट किया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने एक्टिंग में डिप्लोमा किया है। तो अब जान लेते हैं इनके करियर और जर्नी के बारे में। इन्होंने अपना टीवी डेब्यू 2009 में टीवी शो पालमपुर एक्सप्रेस से किया, जहां पर इन्होंने तन्मय बोस का रोल प्ले किया। इसके बाद इन्होंने 2012 में टीवी शो तेरी मेरी लव स्टोरीज में काम किया और यहां पर इन्होंने केशव का रोल प्ले किया। इसके बाद 2012 में ही इन्हें एक हॉरर टीवी सीरियल अनामिका में लीड रोल प्ले करने का मौका मिला, जहां पर इन्होंने जीत सलूजा का रोल प्ले किया। यहां पर इन्होंने 2013 तक काम किया। 2014 में मुदित बिंदास के टीवी शो ये है आशिकी में नजर आए, यहां पर इन्होंने वेद का रोल प्ले किया। इसके बाद 2015 में इन्हें टीवी सीरियल बड़ी देवरानी में काम करने का मौका मिला और इन्होंने विभूर पोद्दार का रोल निभाया। 2017 में इन्होंने टीवी सीरियल देवांशी में काम किया और वरदान का रोल प्ले किया। इसके बाद मुदित 2019 से 2020 तक सोनी टीवी के सीरियल इशारों इशारों में नजर आए और योगेश योगी श्रीवास्तव का किरदार निभाया। इस रोल के लिए इन्हें ITA बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। रोल के लिए इन्होंने लायंस गोल्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता। और अभी 2023 में यह नजर आ रहे हैं स्टार प्लस के मर्डर थ्रिलर सीरियल कह दूं तुम्हें में, जहां पर यह विक्रांत का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर मुदित युक्ति कपूर के साथ लीड रोल में नजर आ रहे हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये दोनों टीवी इंडस्ट्री पर कितना धमाल कर पाते हैं। ऐसा शो स्टार प्लस पर काफी टाइम बाद देखा जा रहा है और यह शो पूरा सस्पेंस से भरपूर है। तो दोस्तों, आपको क्या आपको मुदित नायर का कौन सा सीरियल पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो ये मैरिड हैं। इन्होंने 13 फरवरी 2018 में पुणे में शादी की। इनकी वाइफ का नेम है अपराजिता श्रीवास्तव। अपराजिता बाय प्रोफेशन लॉयर हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनके मनी फैक्टर के बारे में। सैलरी की बात करें तो ये लगभग 35,000 से 40,000 रुपए पर एपिसोड चार्ज करते हैं। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ है अप्रोक्स $1.5 मिलियन। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लाइफस्टाइल पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि नेक्स्ट लाइफस्टाइल आपको किस सेलिब्रिटी की चाहिए। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।